तो चलिए आपको सीधा उत्तराखंड लेकर जाते हैं। आज स्थापना दिवस है, 21वां स्थापना दिवस उत्तराखंड का, और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। शकुंतलम की जहां हुई रचना, हाँ वो मेरा उत्तराखंड है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के राज्यपाल, जिनका संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित रहा है, अभी आप सब लोग उनके बारे में सुन रहे थे, वो बहुत सारे रक्षा के क्षेत्र के बहुत सारे क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। ऐसे महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, मेरे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय बंसीधर भगत जी, आदरणीय सांसद टेहरी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, आदरणीय सांसद राज्यसभा नरेश बंसल जी, पूर्व मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, महापौर भाई सुनील उनियाल गामा जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय विधायकगण, हमारे मुख्य सचिव एसएस संधू साहब, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार जी, शासन प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, समस्त पत्रकार बंधु, आए हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित पुलिस के जवान एवं उनके सभी परिजन, अन्य उपस्थित महानुभाव व उत्तराखंड के मेरे प्यारे प्रिय भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आज राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों को व आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज के दिन पुलिस के उन शहीद जवानों व अधिकारियों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने प्रदेश व समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। देवभूमि उत्तराखंड के मेरे समस्त भाइयों एवं बहनों, आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। मैं आज सुंदर जो परेड की प्रस्तुति मेरे पुलिस के जवानों को अपनी ओर से जिन्होंने यहाँ पर दी है, उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। एक सैनिक परिवार में जन्म लेने के कारण से बचपन से ही मैं परेड के प्रति आकर्षित होता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ एक ओर परेड हमें अनुशासन का पाठ सिखाती है, वहीं दूसरी ओर सामूहिकता से कार्य करने की सीख भी देती है। मैं आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूँ, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ। प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के कारण केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और अन्य पर काम तेजी से शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उससे आने वाले समय में उत्तराखंड में आवागम सुगम हो सकेगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 155 किलोमीटर की टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के अंतिम सर्वे को भी मंजूरी दे दी है, इसके लिए भी बजट अवमुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार केंद्र सरकार के सहयोग से हम उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की धारा से जोड़ने में सफल हुए हैं। हमारी योजना है कि 2025 तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को
लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें, जिससे पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके और कि पलायन की समस्या से भी उत्तराखंड को मुक्ति दिलाकर पहाड़ की जवानी और पहाड़ के काम में लाया जा सके। ये डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि देवभूमि के पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न भी साकार होने की कगार पर है। सड़क एवं रेल मार्गों के साथ साथ उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक प्रमुख नगर को हेली सेवा से जोड़ सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 दशकों से लंबित तराई भावर की लाइफलाइन जमरानी बहुद्देशी परियोजना, जो कि 55,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित और पेयजल का काम करेगी, उसकी स्वीकृति देकर उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना द्वारा तराई क्षेत्र की पेयजल एवं सिंचाई की समस्या दूर होगी। देहरादून से टेहरी के लिए डबल टनल की स्वीकृति देकर केंद्र सरकार ने दून से टेहरी की दूरी को कम करने का काम किया है। इस परियोजना के लिए लगभग 8,750 करोड़ रुपए की स्वीकृति आंकी गई है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रस्तावित योजना के अनुसार विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहब को शीघ्र रोपवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ धाम तक केबल कार द्वारा भी पहुंचा जा सकेगा। हमारी सरकार नैनीताल में स्थित कैंची धाम के विकास के लिए भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत 60 करोड़ से भी अधिक के विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थली बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत केदारपुरी में जहाँ अभी प्रथम चरण के 225 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं, 184 करोड़ कार्यों के द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्रीधाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी 20 करोड़ और 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जैसा कि हमें ज्ञात है, जहाँ हम एक और हमारा राज्य अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं भी समय समय पर हमारी परीक्षाएं लेती रहती हैं। पिछले दिनों अतिवृष्टि के कारण आपदा इसका उदाहरण है, जिसमें कई लोगों ने हमारी जान गंवाई है, जो अत्यंत दुखद है। मैं उन सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं तथा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इस असहनीय दुख और पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारी सरकार आपदाओं का सामना त्वरित गति से करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी का परिणाम गत दिनों आई आपदा का सामना हम सही प्रकार से कर सकें, समय से राहत और बचाव कार्यों को संचालित कर कई लोगों की जान भी हम बचा सके हैं। मैं आपदा के समय हमेशा आगे रहकर लोगों की मदद करने के लिए उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ समेत सभी संबंधित विभागों की सबकी सराहना करता हूं कि उन्होंने ऐसे संकट के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों को बचाने का काम किया है। आपके इस कार्य के लिए हर उत्तराखंडी आपका हृदय से आभारी है। हरिद्वार महाकुंभ को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में आप सबका अमूल्य योगदान रहा है, जिसे देश दुनिया ने सराहा है। एक सैनिक के परिवार में जन्म लेने के कारण से मैं वर्दीधारियों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित हूँ। किस प्रकार उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूँ, इसको लेकर संवेदनशील हूँ। इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में आपके द्वारा दिखाए गए अपूर्व साहस और समर्पण के लिए सम्मान प्रकट करते हुए हमने कोविड सम्मान राशि देने का भी फैसला किया है। यही नहीं, हाल में हमने पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगति की समस्या को सुलझाने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार पिछले 4.5 सालों से लगातार कार्य कर रही है।
मुख्य सेवक के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने की रही है। इसलिए हमने उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इनमें से आधे पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा शेष रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। हमारी सरकार द्वारा जहां राज्य की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क से राहत दिया गया है, वहीं समूह ख व ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी एक वर्ष की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग NDA CDS व उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए 50,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है उनकी सहायता के रूप में। हमारी सरकार अल्प वेतन भोगियों को वेतन तथा भत्तों में वृद्धि के प्रति संवेदनशील है। हमने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपया किया है। मेडिकल कॉलेजों में ट्रेनी डॉक्टरों की स्टाइपेंड को 7,500 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया है। ग्राम प्रधानों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 3,500 रुपया किया है। साथ ही हमने उपनल कर्मियों, आशा एवं आंगनबाड़ी बहनों, लोक कलाकारों तथा ग्राम प्रहरियों के मानदेय में भी वृद्धि की है। हमारी सरकार कमजोर वर्ग के प्रति अति संवेदनशील है, जिसको ध्यान में रखकर हमने वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को बढ़ाने का कार्य किया है। हमने विभिन्न विभागों को स्वरोजगार के टाइम बॉन्ड लक्ष्य तय किए गए हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए कैंप लगाकर एक ही स्थान पर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे प्रदेश में विश्व स्तरीय संस्थाओं को संचालित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है, जिसमें ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान प्रमुख हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए राज्य के समस्त राजकीय स्कूलों के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं और सरकारी डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे द्वारा हर ब्लॉक स्तर पर 2 CBSE पाठ्यक्रम के अतल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना करने का कदम शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। नई शिक्षा नीति को समयबद्ध तरीके से स्कूलों में लागू करने के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमने शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति, श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति सहित सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों की राशि को 6 गुना तक वृद्धि की है, जिससे हमारे मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने सभी सरकारी विद्यालयों में NCERT की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य करवाई हैं। कॉलेजों को स्मार्ट कैंपस बनाया जा रहा है। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट इको क्लब की स्थापना की गई है। हमने हर स्कूल में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की फीस में भी कटौती कर बड़ी राहत प्रदान की है। अब उनकी फीस हमने 1,45,000 रुपये कर दी है। पिछले 2 वर्षों से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। हाल ही में हमारे देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का पड़ाव पार किया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में 18 वर्ष से अधिक सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाए जाने वाला राज्य बन गया है। 100% दूसरी डोज का लक्ष्य भी शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा। उसमें भी हम 50% से ज़्यादा डोज लगाने में अभी तक सफल हुए हैं। कोविड काल में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने प्रदेशवासियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य किया है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कोविड से प्रभावित लोगों को जितना संभव हो सकता है उतनी राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, जिसके अंतर्गत कोरोना महामारी से प्रभावित पर्यटन, चिकित्सा, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों को 600 करोड़ रुपये से भी अधिक के पैकेज हमारी सरकार द्वारा दिए गए हैं। यह राशि DBT के माध्यम से सीधे सीधे उनके खातों में पहुंचाने का काम हो रहा है। प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया है। ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएंगे। हमारी सरकार इन बच्चों का एक अभिभावक की तरह पूरा संरक्षण करेगी। पिछले वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए गए हैं। हमने राज्य में निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है। इसके तहत मरीजों को
207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स के सैटेलाइट सेंटर को खोलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस सैटेलाइट सेंटर के खुलने से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तथा सीमांत क्षेत्र के लोगों को अत्यंत फायदा होगा। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 50 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना की शुरुआत भी की है। इसके साथ साथ पहाड़ों पर महिलाओं को राहत देने के उद्देश्य से हाल ही में हमने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना भी शुरू की है। हमारी सरकार अंत्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण व संतुष्टि के पर खास तौर पर फोकस किया गया है। ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। हमारी सरकार मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। हमने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को सपनों को पूरा करने के लिए हर जरूरी निर्णय लिया और दृढ़ता से इसे लागू भी किया है। राज्य निर्माण आंदोलन के शुरुआती दौर से ही गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की संकल्पना हमारे हर आंदोलनकारी के मन में रही है। जन भावनाओं को सर्वोच्च सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। अब हम गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं को विकास की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार का पूरा कार्यकाल दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित रहा है। यह पहली सरकार है जिसने पलायन को गंभीरता से लिया है और रिवर्स पलायन को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई है तथा सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित अप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमने वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद दो उत्पाद योजना द्वारा स्थानीय लोगों के स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की है। हमारी सरकार द्वारा की गई होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा आज़ादी के बाद से अभी तक अंधेरे में रह रहे 94 गाँव में बिजली पहुँचाई गई है तथा सौभाग्य योजना में 2,50,000 से भी अधिक घरों को रोशन किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 1 रुपये में पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य किया है। नदियों व जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पहले बड़े स्तर पर की गई है। हर जिले में एक वाटर सेट पर काम किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में वर्षा जल संचय के लिए झीलें विकसित की जा रही हैं। इससे पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। भू कानून को लेकर जो समय समय पर आशंकाएं व्यक्त की गई हैं उन पर समग्र रूप से विचार करने के लिए हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी अपना काम कर रही है। अन्नदाताओं को लेकर हमारी सरकार अत्यंत संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्रदेश के लगभग 9 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3900 जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है। जिन किसान भाइयों के पास उपकरण नहीं है उनके लिए भी हमारी फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की गई है। इसके लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तराखंड देवभूमि नहीं वीर भूमि भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है। हमारी सरकार सही सैनिक परिवारों से 1 सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। हमने द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लेने वाले उत्तराखंडी सैनिकों एवं आश्रितों को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रतिमा पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की है। पिछले लगभग 4 वर्षों में
उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके फलस्वरूप सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में जहां हम देश भर में 10वें स्थान पर थे, वहीं आज हम शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार हम वर्ष 2025 तक, जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब हम उसे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए हम विकल्प वही संकल्प के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन रात कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम अंत्योदय के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और उत्तराखंड को सच्चे अर्थों में देवभूमि बना सकें। आज मैं कुछ स्थापना दिवस के अवसर पर, चूंकि राज्य आंदोलनकारियों का लंबे समय से उनके बीच में से लगातार ये बात आती रही है कि उनकी पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए, मैं आज घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को, जिनको 31 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही थी, उसको बढ़ाकर 4500 रुपये और तथा जिनको 5000 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही थी उसको बढ़ाकर 6000 रुपये किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर अध्ययनरत छात्राओं के शिक्षा को सुगम एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु एक एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। राज्य में आवश्यकता अनुसार जनपद मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इजा बोई सगुन सरकारी अस्पतालों में जच्चा बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु अस्पतालों में 48 घंटे रुकने वाली प्रसूता महिला को 2000 रुपये उपहार धनराशि भेंट की जाएगी। जी रेया चेली जागरिया नौनी 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को THR सुविधा प्रदान की जाएगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन बेंडिंग मशीन की स्थापना की जाएगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण तथा हीमोग्लोबिन इत्यादि की जाँच निःशुल्क की जाएगी तथा हेल्पलाइन नंबर 104 के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्रोनिक डिजीज दीर्घकालिक एवं पुरानी बीमारियों के उपचार में ली जाने वाली दवाइयों को भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। देहरादून एवं हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। COVID-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत NHM के कर्मियों को 10000 की एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को अद्यतन करते हुए कुल 75 सेवाओं को अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस को लाभ पहुँचाया जाएगा। सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित अवशेष 190 सेवाओं को शीघ्र ही अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से संचालित कर आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में खेल को प्रोत्साहित एवं युवाओं की खेल की विभिन्न विधाओं से जोड़ने के लिए खेल नीति 2021 तुरंत लागू की जाएगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य पर्यटन से राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने हेतु राज्य को आयुष वेलनेस का हब बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुआं मंडल विकास निगम के पर्यटक घरों में आयुष वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। एक बार मैं आप सभी को पुनः राज्य स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। और यहाँ माननीय मुख्य, तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे थे, CM पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे उनके संबोधन में। कमजोर वर्ग के प्रति सरकार संवेदनशील है, CM द्वारा ये कहा गया। छात्र छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराएंगे, ये भी CM ने कहा। मेडिकल के छात्रों की फीस कम कराई जाएगी, और इससे पहले भी फीस कम करी है। एम्स के सैटेलाइट सेंटर का उत्तराखंड में शुभारंभ किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार से 94 गांवों में बिजली पहुंची है सरकार की तरफ से। देखिए अभी तक जो उपलब्धियां सरकार की रही हैं, जो कामकाज उत्तराखंड में
कराया गया है विकास को लेकर, उन तमाम चीजों के बारे में भी बातचीत सीएम की तरफ से की गई। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस है आज, और आज से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस दौरान सीएम का संबोधन भी इस दौरान आपने सुना कि क्या कुछ सीएम की तरफ से कहा गया, अपने विकास कार्यों को लेकर भी इस दौरान जानकारी जनता के बीच में उन्होंने रखी कि इस बीच सरकार की तरफ से क्या कामकाज कराया गया है। वहीं राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी का बड़ा ऐलान, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आंदोलनकारियों की पेंशन में की गई बढ़ोतरी, 4,500 से 6,000 रुपए तक पेंशन की गई है सरकार की तरफ से। देहरादून से बड़ी जानकारी, हल्द्वानी में नशा मुक्त केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 4,500 से 6,000 रुपए तक की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। देहरादून से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।